Actress Rakesh Sawant has reacted to the comedian Bharti Singh and Harsh Limbajia's arrest by the NCB. देखिए, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ड्रग व्रग का मामला है. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. सडनली छापे मारे जाते हैं और ड्रग मिलता है, तो मतलब ये कोई टीप दे रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता. देखिए, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या, और कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये फंडा. बट ठीक है, अगर भारती जी के केस के साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं है कि भारती जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारती एक बहुत इंडिया के टॉप नंबर वन कॉमेडियन है और उनकी रिस्पेक्ट है. और जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर्ष और भारती मेरे बहुत अच्छे घर के रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है, मैं आपको सच कहती हूँ, ये किसी का षड्यंत्र है. उनके घर में किसी ने रखा है चुपचाप, बार पीछे से फ़ोन कर दिया है. सो, ये षड्यंत्र है और उन्होंने कबूल किया है, तो कैसे कबूल किया है मुझे नहीं पता है. लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है एनसीबी, वो हाँ जो हमारी एजेंसी एनसीबी, वो अच्छा काम कर रही है. और मैं तो कहती हूँ सबको, एक एक को नार्को टेस्ट करो और सबका ब्लड चेक करो. जैसे कोरोना का चेक हो गया, वैसे मुझे लगता है कि लीगल दिखाओ. हाँ, सबको विनाश काल दिखाओ और सबको मतलब कि कोरोना टेस्ट जैसे लीगल हो गया है वैसे सबका ब्लड चेक करो, तो पूरे सबके ब्लड में डेफिनेटली ड्रग्स निकलेगा ही निकलेगा. Rakhi was present at the music launch event of her upcoming film Vinashkal. A Mumbai court recently granted bail of ₹15,000 each to comedian Bharti Singh and her husband Harsh Limbajia in a case filed by the Narcotics Control Bureau. The additional Chief Metropolitan Magistrate of Esplanade Court allowed the bail application of the couple, who were on Sunday remanded to judicial custody till December 4. The duo were arrested over the weekend by the NCB on alleged charges of possession of a small quantity of marijuana and consumption of drugs, sending shockwaves in the INS report.